नमस्कार प्यारे मित्रों, आज आपके सामने बोर्ड पर कुछ डेट दिख रहे होंगे, तारीखें दिख रही होंगी। तो यहाँ पर 1, 2, 3 करके कुछ तारीखें आपके सामने लिखी हुई है। देखेंगे पहला जो डेट है 9 मार्च 2023 का है, अर्थात 9 मार्च 2023 आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसमें इस डेट को पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, जो क्लेविकल वीडियो था। पहला वीडियो 9 मार्च 2023 को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया था, है ना। उस पर देखेंगे कि 10 महीने बाद, इस पहला वीडियो अपलोड करने के 10 महीने बाद कंटिन्यू हम लोगों ने काम किया आपके सामने। और 26 जनवरी 2024 दिन कौन सा है, गणतंत्र दिवस, है ना। 26 जनवरी 2024 को चैनल क्या हुआ, मोनेटाइज हो गया। जो आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस चैनल है वो लगभग 10 महीने बाद मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइज होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है आप लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर होने चाहिए। तो सब्सक्राइबर तो 1000 से ज्यादा हो गए थे लेकिन वॉच आवर को ही वेट कर रहे थे। 4000 जिस समय हो गया उस समय ये चैनल मोनेटाइज हो गया। और जो थर्ड पॉइंट देख रहे होंगे, 23 नवंबर 2024 मतलब इसी महीने की बात कर रहे हैं, 2024 अर्थात जिस दिन चैनल मोनेटाइज हुआ उससे 10 महीने बाद, लगभग 10 महीने बाद हमारा एक छोटा सा पेमेंट आया। छोटा पेमेंट है और इस पैसे का बहुत महत्व नहीं रखना चाहिए जीवन में, इसलिए मैं इसको बहुत वैल्यू नहीं दे रहा हूं। इसलिए पैसे का जीवन में उतना ही महत्व है जिससे कि आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सको, आप अपनी आवश्यकताएं फुलफिल कर सको, उतना महत्व है। लेकिन पैसे, पैसा सब कुछ है ये संभव नहीं है। ऐसा क्यों, अगर बात यहां पर है कि हमने 10-20 महीना, लगभग 2 साल, है ना, अगर इसमें देखा जाए 4 महीने और जुड़ जाए तो 2 साल में हम लोगों ने मात्र कुछ पैसे, मतलब हो जाएगा 120 से 125 30 डॉलर हम लोगों ने अर्न किया। वैल्यू यहां पर इस पर्टिकुलर डॉलर या पैसे की नहीं है, वैल्यू क्या है, इस समय की है। बच्चों कुछ लोग के दिमाग में ये भी आता होगा कि सर जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अल्टीमेट पैसे के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है हम मेहनत करते हैं, हम कभी भी स्टूडेंट से डायरेक्टली इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाकर पैसा लें। हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के बीच उपस्थित हो रहा हूँ, तो यूट्यूब जो है वो उसके बदले हमें देता है, है ना। शुरू शुरू की बात करें, अभी भी हमारे पास बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आता है कि सर मुझे पर्सनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर प्रॉप का पढ़ा दीजिए, लेक्चर मतलब ऑनलाइन लेक्चर ले लीजिए। हम लोग मतलब हर एक कॉलेज के बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, 10-5 जो भी होते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम जुड़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली फोन के माध्यम से। लेकिन जब मैंने मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करने से पहले जो मेरा बैच था सैस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ में, तो उनका लगभग कुछ 3 से 4 महीने हम लोग का सिलेबस पीछे था। तो उनका कहीं ना कहीं वो बच्चे प्लस उनके सीनियर प्लस उस कुछ उनके सीनियर की देन है, जिसकी वजह से मैंने ये प्रक्रिया शुरू की कि नहीं, मेरी जो आयुर्वेद की पढ़ाई है, मैंने जो आयुर्वेद में खूब रगड़ के जो पढ़ा है, खूब मन लगा के पढ़ा है, तो क्यों ना एक निशुल्क बच्चों के लिए, क्लास तो आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। आपका सिर्फ जाता है तो डाटा का पैसा जाता है, वो तो आप वैसे भी पढ़ो ना पढ़ो लेकिन उसका तो मोबाइल है तो कराना पड़ता ही है। तो ये सोचकर हमने एक वहां से जर्नी स्टार्ट की और यहां तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं। और हम लोग का जो टारगेट है कि 5 से 6 सालों में पूरा BMS का सिलेबस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक तरह से अवतरित हो जाए, इस पे आ जाए, है ना बच्चों। तो ये चीजें हैं। अब बात आती है कि मैंने क्या पाया 2 साल की मेहनत, अगर आप एक दूसरा साइड देखें तो 2 साल की मेहनत में मात्र कुछ पैसे मिले हैं। इस हम कह रहे हैं ना कि इस पैसे का विशेष कोई विशेष मतलब नहीं है, अगर वैल्यू है
तो इस लगभग 2 साल में हम शुरू शुरू में एकमात्र सह सार्वधिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ वाराणसी के कुछ बच्चों में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जाने जाते थे। मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि आज शायद अपने उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग हर एक प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ तक कि बिहार के मैक्सिमम कॉलेजेस में, यही नहीं हिंदी बेल्ट छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड और आपका एक तरह से हरियाणा, मतलब जितना भी, मुझे बहुत सी चीजें याद नहीं आ रहा है जो जो बच्चों से बातचीत होता है। बच्चों अब बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मुझसे कुछ नंबर मांगते हैं कि सर मुझे कुछ आपसे हेल्प लेनी है, चाहे वो मुझे ताजुब होता है, सरप्राइज होता है कि जहां पर लैंग्वेज इंग्लिश है, जो थोड़ा बच्चे हिंदी समझ जाते हैं तो भी मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं भी उनको उनके साथ कहीं ना कहीं एज ए टीचर के रूप में नहीं जुड़ा हूँ, अपने आप को हमेशा एज ए लर्नर, एज ए मतलब एक स्टूडेंट के रूप में मैं भी अपने आप को उनके बीच रखता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैं आपको अपने बीच, आपके बीच में एज ए सीनियर के रूप में मैं अपने आप को हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ। पता है जब हमारा स्टेप सीनियर है, जो भी सीनियर है, तो हमें अपनी कोई भी समस्या उनके सामने रखने में शायद कोई समस्या नहीं होती, मतलब अपनी प्रॉब्लम को सामने रखने में कोई समस्या नहीं आती है। अगर वही छोटी सी चीज़ अगर टीचर से कहना हो ना, तो हम लोग बहुत हेजिटेट होते कि पता नहीं क्या सर सोचेंगे। तो मैं हमेशा अपने, चाहे कॉलेज में डायरेक्ट पढ़ाता था, चाहे आज भी अगर बच्चों के साथ हूँ, तो हमेशा बच्चों से जो भी समस्या है उनको, अगर जो पढ़ने लिखने से A to Z जो भी समस्या है, तो एज ए सीनियर मैं उनको 100% हेल्प करता हूँ। और मेरा टारगेट है कि जो भी मैंने पढ़ा है, कहीं कहीं पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कुछ गलत बोल देता हूँ, कुछ कहीं कहीं करेक्शन है तो आप हमें इन्फॉर्म करते हो कि सर ये पॉइंट गलत है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बधाई तरह से हौसला अफजाई करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मेरे को इनकरेज करते हो, मेरी कमियों को सुधारते हैं। तो बच्चों एक पॉइंट और है, एक पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग कभी समय मिलेगा तो करेंगे। 9th फेल और BMS फाइनल प्राप्त फेल, ये मेरे साथ दोनों घटनाएं घटी हुई है। 9th फेल हूं और BMS का फाइनल प्राप्त, जान ही रहेंगे फाइनल प्राप्त अगर फेल हो जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी, तरह से दुखद घटना होती है कि आप सोच रहे हो कि MD की तैयारी करेंगे, तब तक आप फेल हो जाते हो। तो ये सेपरेट कहानी है, इसको भी मैं कभी शेयर करूंगा 2 से 4 मिनट में। तो कहने का मतलब बच्चों, आप जो भी कर रहे हो उसको समय दो, समय भी उसी को वैल्यू देता है जो समय को वैल्यू देता है। आप समय का रिस्पेक्ट करो, समय के साथ चलोगे तो 100% इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर जाओगे। बच्चों जो भी आपने सोचा है उसके अनुरूप आप उसको समय दीजिए, 100% आप कुछ ना कुछ करेंगे। इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम करते हैं, देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो इस ये बताने के लिए नहीं था कि मैं बहुत पैसा पाने लगा हूँ। पैसा देखा जाए तो इनकम का सोर्स एक समय मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं अपने BMS फाइनल प्राप्त या BMS के दौरान मैं अपने को फीस भरने के लिए कॉलेज का ट्यूशन पढ़ा के ये सब चीजें करता था, तो उस समय उस पैसों की वैल्यू होती थी। आज हमारे पास इनकम के कई सोर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं आप लोग के बीच पाकर, आप लोग से इनडायरेक्टली बात करके जो मुझे आनंद की अनुभूति होती, आपके कमेंट्स को पढ़कर, आप लोग जो मुझे कहते हो ना कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, या मतलब इससे मेरा सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उससे बढ़कर खुशी मुझे मिल ही नहीं सकती। ये पैसे की इसलिए वैल्यू उतना मैं इस पैसे को वैल्यू नहीं देता हूँ बच्चों। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के वैल्यू महत्व तो समझ गए होंगे कि समय को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को थोड़ा सा एनालिसिस करिए किताबों के साथ कि कहाँ पर कमी रह जा रही है, किस वजह से।
अपने आप को एनालिसिस करके आगे बढ़ें और 100% अपने मिशन में आप लोग सफल होंगे। धन्यवाद।